और अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के देवास की ओर। आपको बड़ी खबर देवास से बता रहे हैं, जहां कोटवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें, चुनाव ड्यूटी के लिए खातेगांव जा रहा था कोटवार, तबियत बिगड़ी तो बस वाले ने उसे उतार दिया। वहीं परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खातेगांव के कांकरिया मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगी हुई थी। सोनकच्छ के ग्राम कुम्हारडी का रहने वाला बताया जा रहा है कोटवार। तो मध्य प्रदेश के देवास से आप खबर देख रहे हैं, जहां कोटवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें, चुनाव ड्यूटी के लिए खातेगांव जा रहा था कोटवार, तबियत बिगड़ी तो बस वाले ने उतार दिया। वहीं परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खातेगांव के कांकरिया मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगी हुई थी और खातेगांव में इनकी खातेगांव तहसील में ग्राम कांकरिया में इनकी ड्यूटी थी। चुनाव के दौरान ये वहाँ जा रहे थे। अच्छा, यहाँ देवास से वहाँ जा रहे थे कांकरिया, और रास्ते में इनकी अचानक तबीयत खराब हुई तो बस वाले ने इनको आवास नगर उतार दिया। रास्ते में वहाँ मेडिकल वाले ने फोन लगाया कि बोले ये जो भी आपके परिजन है इनकी तबीयत खराब है, आप इनको यहाँ से ले जाओ। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से उनको MG हॉस्पिटल लेकर आया और यहाँ पे डॉक्टर ने बताया एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया था। मृतक का नाम मोहन है, पिता छोगाराम, उम्र 50 वर्ष है। ये सोनकच्छ के पास कुमारडी गांव का रहने वाला था। इसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, तो ये कहीं बस से जा रहा था तो आवास नगर के आसपास कहीं इसको तकलीफ हुई होगी, तो वहाँ से इसे लाया गया था। जब अपने जब लाया गया था तो ये मृत अवस्था। तो बड़ी खबर आप देवास से देख रहे थे, जहां कोटवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी के लिए खातेगांव जा रहा था कोटवार। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित तो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी अमित जी, बताएं कोटवार के हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी? बताना चाहूंगा की कल रात की, कल शाम की बात है, जब चूंकि देवास पुलिस ग्राउंड में चुनाव आयोग के साथ चुनाव में जितने भी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अधिकारी जो कोटवार रहते हैं गांव के, इनकी भी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है। और बहरहाल अगर कल हम त्रिस्तरीय चुनाव की बात करेंगे तो जो पहले चरण के 3 खातेगांव और ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान होना था उसके लिए कल टीम गई थी। और ये बस में की कोटवार बस में बैठा हुआ था, आवास नगर के पास में, जस्ट PMC थाने से कुछ लगा हुई दूरी पे आवास नगर है, जहाँ पे इसको बस में एकदम सीने में दर्द हुआ। तत्काल बस चालक ने और अंदर लोगों ने इसे इसके परिजनों को सूचना दी और सूचना के बाद इसे बस से उतार दिया गया। बहरहाल इसको बस से उतारने के बाद इसके परिजन आए और इन्हें जिला चिकित्सालय ले गए, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें उपचार के बाद मौत की पुष्टि कर दी। शव PM रूम में रखवा दिया गया और आज PM होने के बाद पूरा मामला समझ में आएगा कि क्या अटैक से मौत थी या और कुछ बीमारी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो देवास से बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहां कोटवार के हार्ट अटैक से मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी के लिए खातेगांव जा रहा था कोटवार और तबियत बिगड़ी तो बस वाले ने उतार दिया। वहीं परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।